आज हम बात करने वाले हैं रियल टाइम बायोमेट्रिक्स के T52F मॉडल के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा डिवाइस है। इसमें हमें बैटरी बैकअप भी मिल जाता है, और अगर हम इसमें इनरोलमेंट कैपेसिटी की बात करें तो हम सिस्टम इन्फो से जा करके अगर हम इसका इनरोलमेंट स्पेस चेक करें तो हम देख सकते हैं इसमें हमें 1000 फेस, 5000 फिंगर, 1000 कार्ड, 1000 ID कार्ड और अटेंडेंस का रिकॉर्ड हमें 1 लाख, और साथ में हमें मैनेजर का रिकॉर्ड 1000 मिल जाता है। उसके बाद अगर हम इसमें कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमें लैन का कनेक्टर मिल जाता है, यहाँ पीछे देख सकते हैं। इसी के बगल में यहाँ हमारा पावर का पोर्ट है, और साथ ही साथ इस डिवाइस के अंदर हमें वाईफाई की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। तो हम सेटकॉम के अंदर से नेटवर्क में जा करके ईथरनेट से, जो हमारा लिंक नेट का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम ईथरनेट या वाईफाई सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें जो भी यूज़ करना होगा। साथ ही साथ इसमें हम देख सकते हैं यहाँ हमें USB का भी पोर्ट मिल जाता है, जो पेन ड्राइव से कनेक्टिविटी या कभी फर्मवेयर अपडेट वगैरह जो भी रिक्वायर्ड होगा, तो साथ में हमें एक माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाता है। इसके बाद इस डिवाइस को सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी के लिए अगर हम बात करें तो इसे हम डेस्कटॉप या वेब किसी भी सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा लोकल में ही कनेक्ट होगा, या इवन हमारी डिवाइस मल्टीपल लोकेशन पर भी होगी तो भी हम स्टैटिक IP के थ्रू भी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो रियल टाइम के सर्वर से हम रियल टाइम के सर्वर पर डायरेक्टली डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ इसके अंदर सर्वर IP और सर्वर पोर्ट डाल देना होगा। सिर्फ सर्वर IP सर्वर पोर्ट डाल करके हम क्लाउड सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें मोबाइल ऐप और बाकी सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। फिर उस केस में चाहे डिवाइस आपकी एक लोकेशन पे हो या मल्टीपल लोकेशन पर हो, कितनी भी लोकेशन पे डिवाइसेस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवाइस आपकी कहीं भी हो, सॉफ्टवेयर आपका कहीं भी हो, कहीं से भी देखना है, मोबाइल ऐप हो या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में हो, जिसमें भी आपको यूज़ करना होगा, सभी में ये डिवाइस आपकी चल जाएगी। उसके बाद अगर हम डोर एक्सेस में बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं पीछे हमारा डोर एक्सेस का कनेक्टर दिए होते हैं सारे, जिसमें हम लॉक के लिए कनेक्शन हमें यहाँ मिल जाता है। लॉक के लिए कैसे करेंगे, इसमें RS485 का भी कनेक्टर होता है, जिसमें हम ये फिंगर के रीडर्स कनेक्ट कर सकते हैं एग्जिट पे। जब भी हम डोर एक्सेस के लिए लगाएंगे तो इनके लिए हमारा ये बायोमेट्रिक यूज़ हो जाएगा, और आउट के लिए हम ये RS485 का ST25 मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जो RS485 पर कनेक्ट होता है। और साथ ही साथ इसमें नॉट जस्ट RS485 का रीडर, इसमें हम कार्ड या फिर एग्जिट के लिए बटन भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा ST25 होता है, इसमें हमारा फिंगर और कार्ड दोनों होता है, तो चाहे तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें फिंगर और कार्ड दोनों मिल जाएगा, या फिर हम सिर्फ कार्ड के लिए भी बटन यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा कार्ड का रीडर होता है वो, या एग्जिट के लिए हम बटन यूज़ कर सकते हैं।